प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता पर बयान देकर बड़ी बहस छेड़ दी। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूसीसी के लिए पिच तैयार कर दी है और 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इसे पटल पर लाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और यही वजह है इसे मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। यूसीसी को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त हलचल है। आखिर देश के पूर्वोत्तर हिस्से में यूसीसी पर इतनी चर्चा क्यों है और वहां के लोगों को किस बात का डर सता रहा है? बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में यूसीसी के खिलाफ केवल विरोधी ही नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी आवाज उठा रहे हैं। 30 जून को मेघालय के सीएम और पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा ने यूसीसी का विरोध करते हुए भारत के वास्तविक विचार के विपरीत बताया था। इट गोज अगेंस्ट द एक्चुअल आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ। इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन एंड द डाइवर्सिटी इज व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स वी डोंट नो what will happen in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been and that is what our culture has been. Now that cannot be changed for us, and definitely that's something that as a political party we realize that the entire Northeast for the matter of fact has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain and we would not want that to be touched. So therefore we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation and diversity being our strength and our identity. And hence, a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 220 से अधिक अलग अलग जाति समूह के लोग निवास करते हैं और इसे दुनिया के सांस्कृतिक रूप से सबसे विविध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जनजाति समूहों को भारत के संविधान के तहत प्रथाओं के साथ चले आ रहे कानूनों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले डेमोग्राफी समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में जनजाति आबादी 94.4% है, जबकि नागालैंड और मेघालय में क्रमशः 86.5 और 86.1% है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समूहों को चिंता है कि एक समान नागरिक संहिता के आने से लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जिसे संविधान और संरक्षण मिला हुआ है। यूसीसी से उत्तरी राज्यों, विशेषकर मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में विरासत, विवाह और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानूनों पर असर पड़ सकता है। बता दें कि जनजातीय समूहों में कई सारे नियम हैं जो अलग हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 2018 की विधि आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है, असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजाति में उत्तराधिकार के लिए अपने नियम हैं जो उनकी प्रथाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें असम के खासिया और जयंतिया, पहाड़ियों के खासिया कुर्ग ईसाई जैतेंगे के साथ बिहार और ओडिशा के मुंडा और ओराव जनजाति शामिल हैं। पूर्वोत्तर के खासी और गारो पहाड़ियों में रहने वाले जनजातियाँ और केरल के नायर कुछ ऐसे समूह हैं जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते हैं। इनकी चिंता है कि यूसीसी लागू होने से उनके ऊपर बहुसंख्यक की पितृसत्तात्मक व्यवस्था लागू हो सकती है। किन किन राज्यों में कयास लगाया जा रहा है समस्याएं हो सकती हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मिजोरम 94.4% जनजाति आबादी वाले इस राज्य की विधानसभा ने इसी साल फरवरी में समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास किया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 मिजोरम को विशेष संरक्षण देता है। इसमें कहा गया है कि संसद का कोई भी कानून जो सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं, मिजो रीति रिवाजों और मिजा जाति समूहों के भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण को प्रभावित करता है, मिजोरम पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राज्य विधानसभा से इसे अनुमोदन न मिल जाए। मेघालय, पीएम मोदी के यूसीसी के बयान के बाद बीजेपी के किसी सहयोगी ने इसके विरोध में बयान दिया तो वो मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ही थे। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो ये तीन प्रमुख जातियां रहती हैं। इन जाति समूहों में विवाह, तलाक और दूसरे मामलों के लिए अपने अलग कानून है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की तरह ही नागालैंड में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी चिंताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और राज्यों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर संरक्षण दिया गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि समान नागरिक संहिता पर बयान जारी करने से पहले पार्टी एक बैठक करेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे दूसरे राज्य अभी ड्राफ्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।